हेलो फ्रेंड्स। तो सभी ने कल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा अपना दिन। मैंने देखिए क्या क्या किया था कल, मैं आपके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से एंजॉय किया, कैसे सेलिब्रेट करा इंडिपेंडेंस डे। चलिए देखते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले हमने इडली बनानी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर, और इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए हमने हरी सफ़ेद नारंगी कलर से इडली बनाई थी। तो हमने इस तरीके से लगभग 300 इडली बना के तैयार करी थी फ्रेंड्स। साथ में हमने सांभर बनाया था 1 केजी दाल यूज़ करके, और हाफ हाफ केजी उसमें लौकी पम्पकिन डाला था, और साथ में हमने टमाटर प्याज और बीन्स और गाजर भी डाली थी। तो इस तरीके से सांबर और इडली बना के हम पार्क में ले गए जहाँ प्रोग्राम चल रहा था, और इस तरीके से हमने अपनी स्टॉल लगा के तैयार कर ली थी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे ही स्टॉल लगाई लोगों की भीड़ आ गई, और लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों ने पैक भी कराया, कुछ लोगों ने वहाँ खा के एंजॉय किया, और मौसम भी बहुत सुहाना था। तो हमारी लगभग यहाँ पे 200 इडली बिक चुकी थी। तो मेरी बहन और बेटी को भूख लगी और थक भी गए थे, तो ये लोग वहाँ पे खाने बैठ गए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स, ये इडली बच गई थी, कुछ ट्राई कलर की थी ये लगभग 50, और कुछ ग्रीन और ऑरेंज भी बची थी, वाइट सिर्फ 2 बची थी। तो इतनी इडली बच गई थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी इनको कटवाने में, और हमने सोचा चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो हमने हरी मिर्च और प्याज के साथ इनको फ्राई किया, देसी घी कढ़ाई में डाल के, राई डाल के और प्याज हरी मिर्च के साथ हमने इनको फ्राई किया। साथ में हमने यहाँ पे काला नमक भी यूज़ किया है टेस्ट के लिए। वैसे मैंने इडली बनाते समय नमक और काली मिर्च पाउडर डाला था उसमें, लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाए इसके लिए हमने हींग भी यहाँ डाल दी है, काला नमक भी 1 चम्मच डाला है, और इडली को डाल के हमने इसे फ्राई कर लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है और ना ही मेरी सोसाइटी में कड़ी पत्ता का कोई पेड़ है। तो हमने यहाँ पे देखिए टेस्ट के लिए 1 चम्मच ये हमने चाट मसाला भी डाला है इसके ऊपर से, और गार्निश कर दिया मैंने हरे धनिए से क्योंकि कड़ी पत्ता तो है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने इन सारी इडलियों को फ्राई कर लिया। लगभग ये 80 से 100 इडली बची थी शायद, तो उसको फ्राई करके मैंने एक डिब्बे में पैक कर लिया, और हमने सोचा चलिए गाड़ी में रखे ले चलते हैं। और एक मंदिर में पहुंचे हम, वहाँ पे 7 से 8 लोग थे जहाँ पे मैंने इनको बांटा। मैंने सोचा यार इडली तो बच गई, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब नेक्स्ट मंदिर में वहाँ पहुंचे, वहाँ इतनी भीड़ थी फ्रेंड्स कि मेरी प्लेट भी कम पड़ गई और इडली भी कम पड़ गई। लास्ट में मैंने रैपिंग पेपर थे कुछ मेरे पास, मैंने उसमें भी रख के दी, और इस तरीके से मैंने सारी इडली अपनी वहाँ पे बांट दी थी। लग रहा था कि और लेके आनी चाहिए थी, यहाँ तो कम पड़ गई थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेलिब्रेट करा सभी के साथ इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया।